बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ आज की स्टिचिंग क्लास में। और आप देख रहे हैं स्टिचिंग स्किल्स विद गुप्ता। मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको ट्राउज़र में इलास्टिक डालने के तीन मुख्तलिफ तरीके बताने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले अपना जो पहला तरीका है वो शुरू करते हैं। ये उसके लिए हमने ना मेजरमेंट करके ना अपने ट्राउज़र के हिसाब से इलास्टिक जो है वो काट ली है। अब हम ये जो हमारी सिलाई होती है ना सेंटर वाली, यहाँ पर इसको रखेंगे और ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे। ये इसके साथ साथ अब हम नेफा फोल्ड करने लग जाएंगे और लास्टर को इसके अंदर डालते जाएंगे। ये देखें, जब हमारी लास्टर यहाँ से ख़त्म होने लगेगी तो हम इसको ऐसे ही खींचेंगे और पीछे ये चुनट बन जाएगी इसकी, और आगे से लास्टर फिर हमारे पास निकल आएगी आगे नेफा फोल्ड करने के लिए। ये देखो व्यूअर्स, हमारा लास्टर जो है इसी तरह से पूरा हो गया है, ये एंड आ गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको आखिर से जोड़ कैसे लगाना है। ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमारा लास्टिक आके पूरा हो गया। इसको इसी तरह से इसके साथ यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे और इधर से भी इसको अच्छी तरह से पक्का कर देंगे। ये देखिए वैसे इसमें हमारा लास्टिक डाल गया। अब हम इसको एक जैसी करके ना चुनटों को, कहीं से ज़्यादा कहीं से थोड़ी है, तो इसको अच्छी तरह से सेट करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब आपने इसको पीछे से अच्छी तरह से खींचना है, जितना ज़्यादा खींचेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इसमें लचक आएगी। से अच्छी तरह से खींचते जाएं और इसके ऊपर से सिलाई लगा दें। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी ट्राउजर में इलास्टिक लग गई है। अब मैं आपको एक और तरीका बताने लगी हूँ ट्राउजर में इलास्टिक लगाने का, चलें अब उसको देखते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी दूसरी शलवार है जिसमें हम एक और तरीके से ट्राउज़र लगाए ट्राउज़र में ना इलास्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए आपने ना ट्राउज़र को पहले सीधा कर देना है। जो आपने ट्राउज़र खड़ा किया ना, शलवार बनाई है, उसको पहले बिल्कुल सीधा कर लें। सीधा करके यूँ अपने सामने ऐसे करके रख लें, पूरा ये सीधा कर लिया। उसके बाद ये इलास्टिक उठानी है, यहाँ पे आपने दूसरा सिरा जो है ना इलास्टिक का, इसको घुमा के इसके ऊपर ही लगा देना है। ये देखिए, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। ट्राउज़र को बिल्कुल सीधा कर लिया, उसके ऊपर ये इलास्टिक का सिरा रखा और दूसरा सिरा बगैर बाल डले, ये ना हो कि आपका बाल डल जाए, बाल नहीं डलना, सीधा रखना है और सीधा रख के ऐसे गोल कर देनी है। इलास्टिक गोल करके इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ही रखा और इसको पक्का कर लिया। दोनों सिरों को पक्का कर देना है अच्छी तरह से। लास्ट तक आपकी गोल हो गई है। अब यहां से आपने इसको फोल्ड करना शुरू कर देना, जैसे हमने पहले ट्राउजर में लास्ट डाली थी उसी तरह। ये
ये देखिए व्यूज, आपने यहाँ से लास्ट को खेल के जाना है और आगे आगे नेफा फोल्ड करते जाना है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी लास्ट स्टेप पूरी हो गई। इसी तरह से हमने गोल घुमाते जाना है। ये देखिए, आपने जब उसको गोल करने लगना है उस वक्त ये भी गौर करना है कि आपकी शलवार जो लास्ट स्टेप है वो घूम ना जाए, उसको बल ना पड़ जाए। बस ये इसमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है और इसको एंड पे जाके पक्का करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका सिरा पहले जोड़ लिया था। अब ये इसको सलवटों को एक तरह के बराबर करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने सारे जो इसकी सलवटें थी ना इनको ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने इसकी सलवटें सीधी कर ली थी, अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने दूसरे तरीके से भी लास्ट जो है ट्राउज़र में लगा ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीके अच्छे लग रहे होंगे और आपको जिन इनमें से जो भी तरीका आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकती हैं। अब मैं आपको एक और तरीके से लास्ट लगाना बताने लगी हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसमें ये तीसरी शलवार में एक और तरीके से लास्ट डालना बताने लगी मैं आपको। इसके लिए आपने ट्राउज़र को आम तरीके से नीफा जो है इसका फोल्ड कर लेना है पहले। ये देखें व्यूअर्स, हमने आम तरीके से लास्ट ये इसको नेफे को फोल्ड कर लिया है और अब हमने यहाँ से थोड़ा सा इसका सुराख रखना है, रास्ता रखना है जहाँ से हमने लास्टिक डालनी है। लास्टिक डालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास इस तरह का कोई स्केल है तो वो ले लें और अगर आपके पास पेंसिल है तो वो ले लें। कोई भी चीज़ लेके स्केल या पेंसिल ये इसके अंदर से अच्छी तरह से इसको चुबो के ऐसे इसको ज़ोर से पकड़ लें और ज़्यादा सारा सिरा इधर को करें ताकि सिरा जो है हमारा निकल ना जाए। ऐसे करके ऐसे उसके ऊपर चढ़ा लें पेंसिल के ऊपर। अगर आपको इस तरह से आना लगे तो मैं स्केल के साथ भी आपको बताती हूँ। ऐसे करके ऐसे इसको डालनी शुरू कर दें। ये देखिए ऐसे डालते जाएं, ये भी हो सकता है और इसी तरह से इतना ही चौड़ा स्केल होगा उसके ऊपर आप इसको ऐसे करके रखेंगी और अपने हाथ में पकड़ लेंगी इसका दूसरा सिरा यहाँ से। ये देखिए, और ये जो हमने इसका रास्ता रखा था यहाँ से इसको ऐसे डालना शुरू कर देंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ से आपने ये कोशिश करनी है कि ये जो इसका सिरा है वो हमारा आगे ना निकल जाए। उसके लिए आप क्या करेंगी, और ये इसको बाल ना पड़ जाए, ऐसे सरवट ना पड़ जाए, आग अंदर जाके इसको बाल ना पड़ जाए। अगर बाल पड़ गया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगी कि ये जो सिरा है ना, ये जो यहाँ पे सिरा है इसके ऊपर आप सुई के साथ या तो टांके लगा लें या फिर इस तरह से इसके ऊपर सुई लगा लें ताकि ये सिरा हमारा आगे निकल ना जाए। इसके ऊपर ऐसे करके सुई लगा दें और यहाँ से ऐसे ही लास्टिक डालती जाएं जैसे मैंने आपको बताया। पेंसिल के ऊपर से बोलेंगी तो वो भी बहुत ही आसान है, उसकी नोक के अंदर आपकी लास्टिक अच्छी तरह से फंस जाएगी। और अगर आपको इस तरह से ये चौड़ाई में स्केल के साथ साथ जाना अच्छा लगता है, आसान लगता है, तो आप ये कर लें, ऐसे आप लास्टिक डाल लें। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हम वहाँ पहुँच गए हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपने पहला सिरा लगाया था ना उसके ऊपर टांका लगा लें ताकि आपका ये सिरा बाहर ना निकल जाए। यहाँ से ये सुई को उतार दें जो आपने इसके साथ लगाई थी।
और इधर से आप दूसरा सिरा बाहर निकाल के उसके ऊपर भी टांका लगा दें। ये देखिए अब इसको आसानी आहिस्ता आहिस्ता अंदर करके इस सिरे को, ताकि इसमें बाल ना पड़ जाए। सबसे जो बड़ा मसला होता है ना लास्टिक में, लास्टिक डालने का ट्राउजर में, वो ये होता है कि हमारा ट्राउजर जो है ऐसे लास्टिक जो है वो घूम ना जाए। अगर वो घूम गई तो हमें दोबारा उधेड़ के उसको दोबारा डालना पड़ेगा। ये आपने इसके अंदर डाल दी और अब यहाँ पे भी आपने टांका लगा दिया ऐसे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने लास्टिक डाल ली और हमारी लास्टिक बिल्कुल सीधी डली है, घूम ही नहीं है किसी तरफ को भी, हमारी ये लास्टिक बिल्कुल सीधा है। अब मैं इसकी सिलवटें सीधी करके इसके ऊपर से सिलाई लगाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारी लास्टिक डल गई है और ये ऐसे इसकी शक्ल बन गई। ये देखें मैंने आपको जो तीनों तरीके बताए हैं लास्टिक डालने के, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीके अच्छे भी लगे होंगे, आपको इनकी समझ भी आई होगी और आपको आसान भी लगे होंगे। आप लोगों को जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से आप अपने ट्राउज़र में लास्टिक डाल सकती हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।